हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आभा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो हमारा पहला टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड प्रिजुडिश। तो पहले हम समझते हैं डिफरेंस क्या होता है और प्रिजुडिश क्या होता है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वियर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। All of these are influenced both by the geography and history of place where we live. यानी कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो कहाँ से हमको मिलता है, जो हम चीज़ें खा रहे होते हैं, कपड़े पहन रहे होते हैं या जो भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो हमें हम बनाते हैं, यानी उनकी वजह से ही हमारा एग्जिस्टेंस है। और ये सब चीज़ें कैसे अफेक्ट होती हैं, ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाई ज्योग्राफी। यानी कि अभी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि केरला और लद्दाख में जो लोग रह रहे थे वो अलग अलग प्रोफेशंस को फॉलो कर रहे थे, अलग अलग स्पाइसेस या अलग अलग क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे थे। जैसे लद्दाख में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं थी जबकि केरला में पॉसिबल थी, यानी कि ज्योग्राफी वहाँ के लोगों के हैबिटेट को अफेक्ट कर रही थी। तो ये सब चीज़ें किससे अफेक्ट होती हैं, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से। You will get an idea of how diverse India is if you look even briefly at the following statement. आपको पता चल जाएगा कि इंडिया कितना डाइवर्स है अगर आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या लिखा है स्टेटमेंट में? There are 8 major religions. 8 धर्म हैं वर्ल्ड में and every single one of them is practiced in India. और वो आठों धर्म इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं। यानी कि कितना डाइवर्स है इंडिया? We have more than 1600 languages. और हमारे इंडिया में कितनी languages हैं? 1600 से ज़्यादा languages हैं. That are people's mother tongue. जो लोग बोलते हैं वो उनकी mother tongue है। जैसे आपकी हिंदी होगी, आपके किसी friend का जो मान लीजिए उड़ीसा में रहता है उड़िया होगी, केरला में रहता है तो उसकी हो सकता है तमिल हो, तेलुगु हो, और 100 डांस फॉर्म्स, और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म है, यानी लोग जो डांस करते हैं उनके जो तरीके हैं वो भी 100 से ज़्यादा हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। फिर भी हमेशा ये डाइवर्सिटी हमारे लिए अच्छी ही साबित नहीं होती, कभी कभी ख़राब भी साबित हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हम जो ह्यूमन हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम उन्हीं लोगों के साथ सेफ और सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह दिखें, हमारी तरह बोलें और हमारी तरह सोचें, उनके साथ हम सेफ फील करते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कोई बाबा वगैरह आ जाते हैं तो हम लोग उनके अपीयरेंस को देख के डर जाते हैं, या कोई मौलवी वगैरह आ जाते हैं तो उनके अपीयरेंस को देख के डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बचपन में ये सिखाया जाता है, अरे ये लोग पकड़ के ले जाते हैं। हाँ, तो हम अपने जैसे दिखने वाले लोगों के साथ सेफ फील करते हैं। किसी ट्राइबल इंसान को हम देख लें, किसी आदिवासी को, तो हमें क्या लगता है? अरे ये हमको मार लेगा, मार के खा जाएगा। क्यों? हम नहीं सेफ फील करते उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरह दिख नहीं रहे, हमारी तरीके उनका खान पान नहीं है। ठीक है, समटाइम्स वेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्राम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग हैं तो हम उनको स्ट्रेंज और अनफैमिलियर समझने लगते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट। उस समय हम ये नहीं समझ पाते कि वो लोग डिफरेंट क्यों हैं, हम ये नहीं सोच पाते कि अरे मान लीजिए ये कोई ट्राइबल इंसान है, ये कोई आदिवासी इंसान है तो ये इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि इसके पास एजुकेशन नहीं है। द पर्टिकुलर पर्सन हैजंट एनी टाइप ऑफ एजुकेशन, है ना, इसलिए उसको आइडिया ही नहीं है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। पीपल हु also form certain attitudes and opinion about other who are not like them. और लोग क्या करते हैं कि दूसरे लोग जो उनके जैसे नहीं हैं उनके बारे में कुछ assumptions बनाने लगते हैं, कुछ certain opinion बनाने लगते हैं कि अगर ये tribal है तो ये raw food खाता होगा, ये उल्टी सीधी भाषा बोलता होगा, और अगर ये tribal है तो ये पत्ते पहनता होगा। तो ये सब क्या है? एजम्पशन है। अब जैसे कि आप देखिए तो जो हमारे क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो क्या वो पत्ते पहनते हैं? नहीं। जबकि हम लोग क्या एजम्पशन रखते हैं, हम लोग क्या ओपिनियन रखते हैं कि अगर कोई आदिवासी है, कोई ट्राइबल है तो वो पत्ते पहनेगा, रॉ फूड खाएगा, ये करेगा, वो करेगा।
तो क्या महेंद्र सिंह धोनी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं? नहीं। तो ये सब क्या हैं? ये हमारे assumptions हैं जो हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बना लेते हैं। तो आगे देखते हैं। सम ऑफ दीज स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज आर मनी माइंडेड एंड लेजी। अच्छा, कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स होते हैं कि लोग सोचते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं वो इग्नोरेंट, मतलब बिल्कुल बुद्धू होते हैं, और जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और लेजी भी होते हैं। When our opinion about certain people are always negative, जब हमारा जो opinion होता है कुछ specific लोगों के लिए हमेशा negative हो जाता है कि नहीं ये तो ये करते हैं, ये तो ये करते हैं, कि उनको हम lazy बोल रहे हैं, stingy बोल रहे हैं, यानी गंदा संदा बोल रहे हैं, तो क्या होता है, एक prejudice develop हो जाता है कि हम उनके बारे में prejudice रखे हुए हैं। हमने ये सोच लिया है कि अगर कोई tribal है तो वो raw food खाएगा और पत्ते पहनेगा, या कोई विलेजर है तो वो इग्नोरेंट होगा, स्टिंगी होगा। तो ये हमारा प्रिजडिश हो गया किसके लिए? विलेजर्स के लिए, कि अगर वो विलेजर है तो वो ऐसा ही होगा भले वो वैसा ना हो। तो दिस इज़ प्रिजडिश। प्रिजडिश मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली। प्रिजडिश का मीन्स क्या होता है कि हम दूसरे लोगों को निगेटिवली जज करें और सी देम एज इन्फीरियर या उन्हें छोटा समझें, तो ये प्रिजडिश हो जाता है। तो प्रिजडिश क्या है? जब किसी को हम छोटा या निगेटिव समझते हैं या गंदा समझते हैं तो उसको हम प्रिजडिश कहते हैं। When we think that only one particular way is the best and right way to do the things, we often end up not respecting others. जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका सही है तो हम दूसरों की इज्जत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर ये काम इस तरीके से नहीं हुआ तो ये काम सही नहीं होगा। Who may prefer to do things differently? For example, if we think English is the best language and other languages are not important, अगर हम ये सोच लें कि English ही important है और बाकी की languages important नहीं हैं, we are judging these other languages negatively, तो हम बाकी की ये दो languages को negatively judge कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये मान लिया कि English ही important है और कुछ important है ही नहीं। As a result, we might not respect people who speak language other than English, तो मे भी हम उन लोगों की रिस्पेक्ट ही ना करें, इज्जत ही ना करें जो इंग्लिश के अलावा कुछ और बोल रहे हैं, जबकि ये गलत हो गया, ये प्रिजडिश हो गया। हम दूसरी भाषा का अपमान कर रहे हैं या लोगों का अपमान कर रहे हैं। वी कैन बी प्रिजडिश अबाउट मैनी थिंग्स। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिजडिश हो सकते हैं, जैसे क्या? पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, कि जो ये रिलीजन मानता है वो तो ठीक है और अगर कोई दूसरा रिलीजन मान रहा है तो अरे वो बेकार है। तो ये भी एक तरीके का प्रिजडिश है। द कलर ऑफ दियर स्किन, गोरे स्किन वाले अच्छे होते हैं और ब्लैक स्किन वाले अच्छे नहीं होते, ये भी एक प्रिजडिश है। द रीज़न दे कम फ्रॉम, जहाँ से वो आए हैं। द एक्सेंट दे स्पीक इन, हो सकता है वो किसी एक्सेंट में बोलते हैं, उसको लेके हम प्रिजडिश्ड हो जाएं। द क्लोथ्स दे वियर, क्लोथ्स को लेके प्रिजडिश्ड हो जाएं, कि जो इस तरीके के कपड़े पहनेगा वो तो अच्छा है और जो उस तरीके के कपड़े पहन रहा है वो अच्छा नहीं है। ऑफन आर प्रिजडिश्ड अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रांग। कभी कभी हमारे जो प्रिजडिश्ड यानी ये जो एजम्पशंस होते हैं ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम, कि हम लोगों से दोस्ती भी नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई है वो ये सोचता है कि जो गाँव के लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते, तो वो उनसे दोस्ती ही नहीं करेगा। तो उनका जो जो उस इंसान का प्रिजडिश है कि गांव के लोग अच्छे नहीं होते, उसकी वजह से वो गांव के लोगों से दोस्ती ही नहीं करता। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज डैट हर्ट देम, और कभी कभी हमारे यही काम लोगों को हर्ट भी कर देते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट सेशन। Until then, stay tuned, stay safe, stay home. And more importantly, if you find this video useful, let me know in comments. And do subscribe, share Digital Kaksha. Thank you.